अरैया में मंगलवार को जिला मुख्यालय कर्रो, ककोर में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति में जिलाध्यक्ष विपिन राजपूत के नेतृत्व में जिलाधिकारी अरैया को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि विगत कुछ दिनों से अक्टूबर माह में मूसलधार बारिश के किसानों की खड़ी फसल और बोई गई फसल में नुकसान को लेकर जिले में सर्वेक्षण कराकर धान, बाजरा, सरसों, आलू में हुए नुकसान को आंकलन कर मुआवजा दिलाया जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन जल्द से जल्द सर्वेक्षण का आकलन कर मुआवजा नहीं दिलाती है तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। जितनी महंगाई चल रही है आपकी सरकार से क्या मांग है? देखिए, सरकार कहती है हम आय दोगुनी करेंगे, ठीक है, आय दोगुनी कैसी होगी जब किसान की लागत तो ज्यादा हो रही है? आय दोगुनी तो नहीं हो पाएगी जब 1200 की चीज 1500-1600 रुपए की मिल रही है, डीएपी मिल रही है, और उसका जो फसल का नुकसान हो रहा है। आप देखिए कंपनियों के भगोड़े भाग रहे हैं, उनको सरकार लोन माफ कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन किसान का फसल का नुकसान हो रही है, उसको नुकसान का भरपाई नहीं मिल रही है। जबकि किसानों का केसीसी में उसका अमाउंट भी कटता है बीमा का, लेकिन तब भी उसको राहत नहीं मिल रही है। अब एक बता दिए, किसान तो महंगाई की मार झेल ही रहा है, पेट्रोल इतना तेज हो गया, डीजल इतना तेज हो गया, डीजल अभी जब तेज हो गया, जो 600-700 रुपए प्रति घंटा जो चलता था ट्रैक्टर खेतों में जुताई के लिए, आज वो 1200-1300 रुपए घंटे ले रहे, तो किसकी मार पड़ेगी? वो तो आम आदमी मर रहा है। सच्चा आदमी, पैसे वाला आदमी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, अधिकारियों नेताओं पर कोई प्रभाव नहीं, वो तो सिर्फ पैसे लूटने में लगे हैं। मर रहा तो गरीब किसान मर रहा है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, शासन नहीं सुन रहा, नहीं सुने पर नहीं सुनेगा तो इसका किसान यूनियन आंदोलन करेगी। अरैया से केके न्यूज संवाददाता राजकिशोर पोरवाल की रिपोर्ट।